प्रोटीन आयरन से भरपूर महीनों चलने वाली सर्दी स्पेशल बर्फी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रेसिपी को एक बार जरूर बना के ट्राई करें। घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और ये महीनों ख़राब नहीं होगी। तो चलो इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा लूँगी। कढ़ाई आपको थोड़ी भारी तले की लेनी है और एक कप मैं सफ़ेद तिल डाल रही हूँ। आपको जितनी बर्फ़ी बनानी है उसके अनुसार आप तिल ले सकते हैं और कोई भी कप कटोरी ग्लास अपने अनुसार सेट कर ले ताकि बनाने में नाप आसानी रहेगी। और मीडियम आंच पे मैं तिल भून लूँगी। तिल बहुत जल्दी भून जाते हैं, 2 से 3 मिनट टाइम लगता है, ज़्यादा भूनने में टाइम नहीं लगता और चटकने तक इनको भून लेना है। और सर्दियों में वैसे भी तिल और गुड़ की रेसिपी बना के खानी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी होती है। तो तिल हमारे भून चुके, मैं एक बर्तन में निकाल दूँगी इनको ठंडा होने के लिए। और सेम कढ़ाई में सेम कप से 1 कप मूंगफली ले ली है। जो भी आपके पास मूंगफली अवेलेबल है आप वो मूंगफली ले सकते हैं। तो मूंगफली भी हमें सर्दी में ज़रूर खानी चाहिए। और इनको भी भूनते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं और मूंगफली हमारी अच्छे से भून गई है, छिलका उतरने लग गया और इसमें भी चटकने की आवाज़ आने लग गई। तो अब हम गैस बंद करेंगे और मूँगफली को भी ठंडा होने के लिए रख देंगे और ठंडा होने के बाद हम इसका छिलका उतार लेंगे। तो दोनों को अच्छे से ठंडा होने देना है। मूँगफली ठंडी हो गई थी तो मैंने इसका छिलका उतार लिया है, उसका वीडियो नहीं बताया क्योंकि छिलका सबको उतारना आता है। और मैं मिक्सी के जार में डाल दूंगी। मूँगफली अच्छे से ठंडी हो गई और एक बार इसको दरदरा पीस लेते हैं। मूँगफली या तिल पीसते समय मिक्सी को रुक रुक के चलाना, नहीं तो तेल छोड़ देते हैं। दरदरा पीसने के बाद मैं इसके साथ में तिल डाल दूंगी। तिल भी अच्छे से ठंडे हो गए और मैंने इनको मिक्सी को रुक रुक के चलाया और बारीक पीस लिया इस तरह से। तो हमारा मिश्रण तैयार हो गया। अब सेम कढ़ाई हम वापस चढ़ाएंगे गैस पर और 2 कप मैंने लिए थे तिल और मूँगफली, 2 कप ही गुड़ और ले लिया है। जितनी आप मूँगफली और तिल ले रहे उतना ही आपको गुड़ लेना है। और 2 चम्मच मैंने इसके अंदर जो छोटा वाला होता है पानी डाल दिया है ताकि गुड़ आसानी से मेल्ट हो जाए। तो गुड़ भी हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, तो सर्दियों में गुड़ भी खाना चाहिए। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें, बच्चे बड़े सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और इसको हमें ना तो ज़्यादा पकाना ना ही चेक करने की ज़रूरत है। मैंने 1 छोटा चम्मच इसमें बिना पिघला हुआ घी डाल दिया और 2 से 3 चुटकी येलो फूड कलर डाला है जो मिठाई में डालते हैं। अब हम घी को इसके अंदर मेल्ट होने देते हैं। गैस की आंच मैंने मीडियम रखी है और येलो कलर जो डाला ये बिल्कुल पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपके पास है आप कलर डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मुझे येलो कलर की बर्फ़ी बनानी थी इसलिए मैंने इसमें कलर डाला। गुड़ पिघलने के बाद मैंने इसके अंदर घी डाला और कलर डाला और घी इसके अंदर मिक्स होने तक आपको पका लेना है। गैस की आँच मीडियम रखी है मैंने। बस हमें ज़्यादा ना तो पकाना है गुड़ को ना ही चेक करने की ज़रूरत है। घी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गया है तो मीडियम आंच पे मैंने पीसा हुआ मिश्रण डाल दिया और मीडियम आंच पे हम इसको 2 मिनट के करीब पकाएंगे मिक्स करते हुए ताकि कोई भी कुठलियाँ ना रहे इसके अंदर। और इसको बनाना बेहद आसान है। इस मिठाई को आप मिनटों में बना के तैयार कर सकते हैं, ख़राब होने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम बना रहे, अगर आप पहली बार बना रहे तो भी परफेक्ट बनेगी ये। 2 मिनट के करीब मैंने इसको मीडियम आंच पे पका लिया है। बस हल्का सा मिश्रण गाढ़ा हुआ है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा, इतना ही रहेगा ये। अभी आपको लग रहा होगा ये शायद जमेगी, नहीं जमेगी, लेकिन ये परफेक्ट जम के तैयार होगी। अब मैं गैस बंद कर दूंगी, हमें ज़्यादा बिल्कुल भी पकाने की ज़रूरत नहीं है। और इस मिठाई को आप एक बार बना के ट्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि सर्दियों में गुड़, तिल और मूँगफली सारी चीज़ें खानी चाहिए। तो आप इसको आराम से बना के स्टोर करके रख सकते हैं। ये मैंने एक तेल से चिकना करके इस तरह का प्लास्टिक का डिब्बा ले लिया। आप थाली प्लेट कुछ भी ले सकते हो और नीचे मैंने इसमें बादाम और पिस्ता की कतरन डाल दी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट नहीं है तो आप इसकी जगह तिल भी डाल सकते हैं ताकि मिठाई हमारी दिखने में अच्छी दिखे। और सारा मिश्रण मैंने इसके अंदर डाल दिया। अभी इतना गीला लग रहा है लेकिन ये परफेक्ट बर्फी जम के रेडी हो जाएगी। तो इसको मैंने सेट होने के लिए रख दिया था। लगभग इसको 1.5 से 2 घंटे सेट होने में लगते हैं। फ्रीज से बाहर ही रखा था मैंने क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है तो आसानी से ये सेट हो जाती है। अगर फिर भी आपको जल्दी पीस कट करने तो ठंडा होने के बाद आप थोड़ी देर फ्रीज में रख दें। देखिए मैंने किनारे छुड़ा के निकाल दिया, आसानी से ये मिठाई निकल गई है और बिल्कुल परफेक्ट जम के तैयार हो गई। तो इसके मैं पीस कट कर रही हूँ, आपको अंदाज़ा लग गया होगा। मैं चौकोर पीस कट कर रही हूँ, आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग इसके पीस कट कर सकते हैं। और इसका टेक्सचर देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इतने से सामान में लगभग हमारी 1 किलो मिठाई बनके तैयार हो गई है। तो इस मिठाई को आप बना के आराम से फ्रीज से बाहर 2 महीने स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो ये मिठाई सर्दियों में बना के रखते, बच्चों को नाश्ते टिफिन में भी दे सकते। मैं आपको पीस तोड़ के भी दिखा रही हूँ,
ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और महीनों ये इतनी सॉफ्ट बनी रहेगी, ऐसा नहीं कि बाद में टाइट हो जाएगी। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर बना के ट्राई करें, घर में सबको खिलाए। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी देख के बना सके। मिलते हैं।